नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 2 मई और आपके लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे IDFC बैंक के बारे में। हम यह भी बात करेंगे कि इस बैंक में निवेश की क्या संभावना है और मुनाफे की क्या पॉसिबिलिटी है। तो इनके सारे आयामों पर, इनके सारे पहलुओं पर हम विचार करेंगे। तो विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। किसी भी कंपनी में निवेश के पहले सबसे 4 बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। उस कंपनी के कारोबार का तरीका क्या है, मतलब वो कितना एग्रेसिव है, कौन कौन से टैक्स लगाती है अपने मुनाफों के लिए, मतलब मुनाफा करने वाला है या नहीं। दूसरा, उसकी मैनेजमेंट कैसी है अथवा उस कंपनी को लीड करने वाला व्यक्ति का पास्ट कैसा है, मतलब उसके पास्ट रिकॉर्ड कैसे हैं। और तीसरी बात होती है कि चीज़ भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन क्या वो अपने असल दाम, जितना उसकी वैल्यू है, उतने पे मिल रहा है, उससे अधिक पर मिल रहा है या उससे सस्ता मिल रहा है। तो उसके प्राइस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। अगर चीज़ अच्छी हो और किफ़ायती प्राइस में मिल जाए तो खरीदने वाले की विन विन सिचुएशन को ज़्यादा मजबूत करता है। ऐसी परिस्थिति में निवेश करना निवेशक के लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है, जब चीज़ भी अच्छी हो, मैनेजमेंट भी अच्छा हो और वो चीज़ उसे अपनी कीमत से बहुत कम पर मिल गई हो, तो एक तरफ से वो निवेश को सिक्योर करता हुआ दिखता है। और चौथी सबसे बड़ी जो बात होती है कि उस निवेश की संभावना क्या है, कि उस बैंक में अगर हम निवेश करते हैं तो फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या रहेगी। तो इन 3-4 बातों पे जब ठीक से आप ध्यान देते हैं तो आपका निवेश बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। अब देखते हैं कि इन पैरामीटर्स के ऊपर IDFC फर्स्ट बैंक कितनी हद तक फिट बैठती है। तो इसकी जो पहली पॉइंट है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि IDFC बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को यह कम्युनिकेशन किया है कि उसने 4.02 करोड़ शेयर्स जो यस बैंक के हैं वो उसने बेच डाले हैं। अब इससे आपको कुछ बातें ध्यान आएंगी। यस बैंक को बचाने के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान अप्रूव हुआ था, तो उस रिकंस्ट्रक्शन प्लान में यस बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक और SBI इत्यादि बैंकों ने यस बैंक के बहुत सारे शेयर मात्र 10 रुपये के रेट पर लिए हुए थे। वो अब आपको पूरी बात याद आ गई होगी। तो ये सारे न्यूज का सोर्स क्या है, तो मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने इसको छापा हुआ है और वहां से हम इस न्यूज को ले रहे हैं। तो अब इस बात को थोड़ा ठीक से विस्तार से समझ लें। तो जब ये डील हुई थी उस समय यस बैंक की ओपन मार्केट में जो प्राइस था शेयरों के, वो शेयरों के प्राइस लगभग 22 रुपये के आसपास थे। और वहां पे डील जब होती है तो इन बैंकों को जो शेयर मिलते हैं वो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिलते हैं। और उस टाइम IDFC बैंक ने यस बैंक में लगभग 16 करोड़ शेयर उठाए थे। तो 16 करोड़ शेयर 10 रुपये के रेट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का हुआ होगा। लेकिन ये शेयर उस शर्त पर मिले थे कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग मात्र 25% शेयर को ही सेल कर सकते हैं। तो 25% शेयर कितना होगा 16 करोड़ का, लगभग 4 करोड़। तो 4 करोड़ के आसपास जो इन्होंने अपनी शेयर सेल करी है ये वही शेयर हैं जो 25% हैं। अब इनमें क्या इसको मुनाफा हुआ होगा नहीं होगा, इसको अब आप ऐसे समझ लें। मान लो आपने ही अगर 1000 शेयर कोई 10 रुपये के रेट से लिया होता तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ते। अब आपको 25% शेयर को बेच लेने की अगर छूट हो तो आप मात्र 250 शेयर बेच पाएंगे। लेकिन इन सारे बैंकों के पैसे लगा देने से इस बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना जबरदस्त यस बैंक के शेयर कितनी तेजी से ऊपर की ओर भागी है। और लगभग इसने अपना हाई बनाया था 87.30 रुपये का और डेट था 18 मार्च। और इस बीच में ही IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने 25% शेयर, मतलब 4 करोड़ के आसपास की शेयर बेच डाली। अब 25% शेयर, अगर आपका ही 1000 शेयर का 25% शेयर 250 शेयर होता है और आपने अगर 82 रुपये के रेट से भी बेचा हो, 87 रुपये के रेट से ना भी बेचा हो, तो भी आपके हो जाते हैं 20,500 रुपये। 1000 शेयर आपने खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये के, और मात्र 25% शेयर को अगर अपने टॉप वैल्यू पे नहीं, डिस्काउंटेड रेट 5 रुपये की कर दी जाए और 82 रुपये के रेट से भी अगर आपने बेच दिया तो 20,500 रुपये आपके जेब में आ गए। मतलब जितने पैसे आपने लगाए थे उससे डबल से भी अधिक पैसे मात्र 25% शेयर को बेचने से आ गए। और 75% जो आपके शेयर हैं यस बैंक में
आज भी पड़े हुए हैं जो 3 साल के बाद न जाने कितना बढ़ करके मिलेंगे, क्योंकि तब तक यस बैंक की भी स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक नमूना है कि कैसे IDFC फर्स्ट बैंक अपने पैसों का सदुपयोग करके कितनी जबरदस्त एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके आम का आम और गुठली के दाम निकालना जानती है। अपने 100 शेयर लिए, 25 शेयर बेच गई, हमने जो पैसे लगाए थे उसे डबल कमा लिए और 75% शेयर भी बचा लिया। तो ये रहा हमारा पहला नमूना। अब दूसरे बिंदु की बात करें कि ये मैनेजमेंट है किसके हाथों में। तो मिस्टर वी वैद्यनाथन है, जो एक जाने माने बैंकिंग सेक्टर के माहिर माने जाते हैं, जो अपने आप में एक ब्रांड है। और इनके बारे में आपको अगर विस्तार से जानकारी लेनी है तो आप गूगल पर जाइए और केवल मिस्टर बी वैद्यनाथन टाइप कीजिएगा, आपको सारी जानकारी इनके बारे में निकल आएगी और आपको पता लग जाएगा कि कितने माहिर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं अपने सेक्टर के। तो हमने यहाँ देखा कि इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर अगर विचार करने के बाद सोचा जाए, समझा जाए, तो आप पाते हैं कि यह बैंक निवेश के लायक बनता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण जो बात है कि कोई चीज़ जो लेनी है उसका प्राइस क्या हो। चीज़ तो अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो उसकी प्राइस क्या हो, उसको एक चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप इसको चार्ट पे देखें। तो जब से ये कंपनी लॉन्च हुई है तब से इसने 83-84 रुपए की एक हाई भी देखी है और वहाँ से लगातार आकर के, और आज के कोरोना ने इसको बिल्कुल 18-20 रुपए के लेवल पर ला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसके नीचे कोई गुंजाइश बचती नहीं कि और भी इसके नीचे चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो पीछे इसने 18 रुपए की बनाई थी लो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक जा सकता है। अब इसके कारोबार को देखना है तो एक बार चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। तो NSE की वेबसाइट पर देख रहे हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 6,49,87,885 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई। मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज क्वांटिटी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी बड़ी है। और जो डिलीवरी होती है वो होती है 2,56,35,492 शेयर की, 49.45%। मतलब स्ट्रांग डिलीवरी। तो स्ट्रांग डिलीवरी को देखकर के आप खुद भी इसके बारे में समझ सकते हैं कि निवेशकों का नज़रिया क्या है। एक जो और अनछुआ पहलू है जिसको कि आपको समझ लेना चाहिए कि इस कोरोना संकट ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को हिला रखा है। पूरी बैंकिंग सेक्टर, चूँकि जो RBI ने एक मोनोटोरियम की सुविधा दे रखी है ऋण लेने वाले ग्राहकों को, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है बैंक के बिजनेस पर और बैंक के मुनाफे पर और बैंक के पूंजी पर, क्योंकि बैंक के पास पूंजी ही नहीं होगी तो उसका व्यापार कैसे चलेगा। इस बैंक के मैनेजमेंट की दूरदृष्टि देखिए कि आप देखेंगे कि बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र ब्लूमबर्ग में एक खबर छपी है, लगभग 14,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए एक अपनी फंड रेजिंग प्लान बना रहा है। और इस फंड रेजिंग प्लान के हिसाब से ये तुरंत अपने पैसे इकट्ठा करेगा, पैसे अपना जोड़ेगा, ताकि जो मोनोटोरियम से होने वाली एक पूंजी का अभाव होगा, उस पूंजी के अभाव से कैसे निपटा जाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस कोरोना के वायरस के जो प्रभाव के बाद ये बैंक बिल्कुल उभरता हुआ बैंक होगा, जो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल लोअर लेवल पे मिला होगा और बिल्कुल लोअर लेवल पे आपने इसे बाई किया होगा और वहाँ से इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रहा है, उसमें वहाँ से डाउनसाइड बहुत कम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हमारी रणनीति क्या हो, उस बात को जान लेना सबसे पहले आवश्यक है। तो रणनीति के लिए हम वनडे के चार्ट पे आएंगे। तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के जो मूविंग एवरेज हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है IDFC बैंक। तो सबसे पहला टारगेट तो इसके लिए होगा जो 50 दिन का EMA है, लगभग 27 रुपये का। तो आप प्राइस पे नज़र बनाए रखें, 21-22 रुपये के आसपास ये पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से अगर इसकी प्राइस की मूवमेंट ऊपर की ओर जाती है तो आप स्टेगर माइनर में धीरे 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 इसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और एक बात ये ध्यान रहे, जैसे ही ये 27 रुपये को पार करे तो अपने स्टॉप लॉस को आप 25 रुपये के आसपास अवश्य लगा लें। और यहाँ से भी अगर आप इसमें बाइंग करते हैं, मतलब अगर आपने 21.90 रुपये या एक एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि अगर आपने 22 रुपये के ऊपर बाइंग करी तो आप इस पे स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 19 रुपये या 20 रुपये का रखेंगे। और अगर इसकी प्राइस की मूवमेंट ऊपर बढ़ती जाएगी तो आपकी स्टॉप लॉस भी ऊपर की ओर खिसकते जाएगी।
और अगर ये नीचे की ओर मूव करे तो आप अपना मुनाफा बुक कीजिए, टेम्पोररी बेसिस पर आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए और फिर नीचे के लेवलों में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और जैसे ही ये 50 दिन की ईएमए को पार करे ऊपर की ओर, तो फिर आपकी जो स्टॉप लॉस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी 50 दिन की ईएमए मतलब 27 रुपए के आसपास। जो गेन लॉस रेशियो है वो ठीक ठाक बना रहे, क्योंकि गेन के चांसेस तो ज्यादा रहे, लॉस के चांसेस कम रहे, इसलिए जब भी लॉस लगाएं तो बाइंग प्राइस के 1-2 रुपए नीचे ही लगाएं, ताकि अगर हिट भी कर जाए तो आपका मात्र 1-2 रुपए का हिट हो, और अगर ऊपर की ओर बढ़ता है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाकर अपनी प्रॉफिट को मेंटेन करते चले, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते चले। अब फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपनी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाने का एक लिंक दिया हुआ है, तो उसका डिटेल आप जाएंगे तो उसकी वेबसाइट में सारी चीजें आपको मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई निवेश से संबंधित फाइनल निर्णय लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बैठकर जरूर सलाह कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।